सिंधी अदबी बोर्ड के साबिका सेक्रेटरी और POG मेम्बरान को खराज तहसीन पेश करने के लिए सिंधी उर्दू मुशायरा और तकरीब और किताबों की रूनमाई की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मां आतिफ, बोर्ड की सेक्रेटरी गुलबदन जावेद मिर्ज़ा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अराकीन सरफराज राजड़ और दीगर ने शिरकत की। अब तो मेरे ख्याल में सिंधी उर्दू एक हो चुके हैं, चंद लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते, वरना अब एक ही सूबे में रहना, एक ही मुल्क में रहना और एक दूसरे के साथ इतने करीब हैं हम कि अब दूर तो इंशाल्लाह हो ही नहीं सकते। इस मौके पर सरवरी जमात के रूहानी पेशवा और रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मां ने खिताब करते हुए कहा कि सिंधी अदबी बोर्ड की इंतजामिया ने इस प्रोग्राम में जिन मौजूदीन शख्सियात को मदु किया, इससे ये बात साबित हो गई कि हम अपने मोहसिनों को नहीं भूलते। आज का एक बहुत शानदार प्रोग्राम सिंधी अदबी बोर्ड ने मुनक्किद किया है और कोई 7-8 के करीब किताबें हैं जो शाया हुई हैं, उनमें कुछ शायरी की हैं, कुछ नसर की किताबें हैं। बोर्ड में हमने ये प्रोग्राम किया है, ये हमारे जो सेक्रेटरी साहबान यहाँ पे रह चुके हैं और जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर साहबान जो फोत हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, तो हमारे चेयरमैन साहब का ये वीएम था कि जितने भी हमारे जो भी यहाँ पे मेंबर साहबान या सेक्रेटरी साहबान इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस तरह के, पहले भी हमने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने अपने मुकाले भी पेश किए जिन पर इन्हें एजाजात से नवाजा गया। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़ हैदराबाद।